रही हूँ एयरपोर्ट की तरफ एंड अभी लगभग बजे है सुबह के 7। सो इस जर्नी का जो शुरुआत है, मैंने सोचा कि उधर से ही मैं वीडियो का भी शुरुआत करती हूँ। एंड अभी हम लोग पहुँचेंगे लगभग आई थिंक सो आधे घंटे में या 40 मिनट्स में, लेट्स सी। सो मैं यहाँ पे जो बस में बैठी हूँ वो है चलो बस की तरफ से। दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। मैंने चलो ऐप का प्रमोशन बहुत पहले, लाइक जब वो लॉन्च हो रहा था तब किया था मेरे इंस्टा पेज पे। नाम है फुल प्रिया मुंबई। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वो लिंक। आप ये मेरे पीछे ब्यूटीफुल सा सनराइज देख सकते हो। सो चलो ऐप के मैं जस्ट ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी एंड मैंने देखा मुझे एयरपोर्ट जाना था, तो मैंने देखा कि कैब सुबह सुबह मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी डाइसी रहता है बिकॉज मेरी सुबह की फ़्लाइट है एंड सुबह ये कैब वगैरह सब करने में बहुत टाइम वेस्ट जाता है एंड कैब में बहुत सारे पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। इसका मैं डिटेल में रील मेरे पेज पर डालने वाली हूँ, सो आप उसे ज़रूर चेक करना। सो ये जो बस है वो ऑन टाइम थी, लाइक जो टाइम शेड्यूल किया था वो ऑन टाइम पे आई। एंड शायद मैं सुबह सुबह बुक कर रही थी इसलिए, लाइक मेरी सुबह की बस थी, 6:55 की बस थी, इसलिए शायद टाइम पे होगी। बट पीक टाइम पे आप ये रूट, अगर आपको अंधेरा जाने वाला रूट है तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। लाइक पूरी AC बस है, 100 रुपीज़ में आप अंधेरी तक पहुँच जाओगे। सो आप अगर अंधेरी तक ट्रैवल करते हो रोज़ अप एंड डेली, तो दिस इज़ लाइक द बेस्ट रूट। इसे बुक वगैरह कैसे करते हैं आप मेरे इंस्टा पे जाके देखना। सो अभी पढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट जहाँ पे मैं जा रही हूँ उस तरफ। सो मैं अभी जा रही हूँ अहमदाबाद एंड दिस इज़ लाइक अ फन इवेंट, उसी के लिए मैं जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, बहुत सारी चीज़ें प्लान है। इट्स अ वन डे, नॉट वन डे, वन नाइट एंड 2 डेज ट्रिप। सो कल मैं वापस मुंबई आऊँगी, तो आप ये पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड अगर अहमदाबाद के लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। सो स्टे ट्यून्ड। पहुँचे हम T2 में। डेकोरेशन किया है दिवाली के लिए, लुक एट दैट। एंड हम पहुँच गए हैं T1 पे। सो अभी लेट्स सी कितना टाइम लगता है यहाँ से उतरने के बाद। ये है हमारा गेट 27, अभी चेंज हुआ। सो 8:55 की फ्लाइट है। लेट्स गो एंड हियर वी गो। सो जल्दी जल्दी हम लोग फ्लाइट में चढ़ के बैठ गए। मेरी आइल सीट थी बट द व्यू वॉज सुपर्ब। एंड हम लोग अभी पहुँच गए हैं अहमदाबाद। द एयरपोर्ट वॉज ब्यूटिफुल एंड द जर्नी वॉज ऑल्सो पीसफुल। कोई भी हमें तकलीफ नहीं हुई एंड बहुत ही क्विकली पहुँच गए हम लोग। सो एयरपोर्ट पहुँचते ही हमारे सारे कैब्स वेट कर रहे थे, तो कैब में बैठ के हम लोग फटफट चले गए हमारे डेस्टिनेशन पे। हम लोग रुके थे राजपथ क्लब में, जिसका वीडियो अलग से आएगा, तो आप बस ये जस्ट फ्यू ग्लिम्स देखो हमारे जर्नी के। हमने चेक इन किया राजपथ क्लब में एंड हम लोग गए लंच करने, जो कि था नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं लंच करने के लिए एंड इस रेस्टोरेंट का नाम मैं आपको बताती हूँ अभी। एंड खाना खा के अभी हम यहाँ पे कैफे में आए हैं। द नेम इज रोस्ट्री, यू कैन सी ओवर देयर। एंड यहाँ पे लाइव मशीन है, सो यहाँ पे रोस्ट होता है पूरा कॉफ़ी में। एंड देन वी हैव दिस ह्यूज एरिया, सो दे हैव दिस आउटडोर एंड इंडोर एंड अबव फ्लोर्स ऑल्सो। सो अभी हम लोग वही कॉफ़ी लेते हैं एंड आई विल शो यू अराउंड। एंड ये है पूरा डाइनिंग एरिया, सो दिस इज़ लाइक द इंडोर सीटिंग एंड आउटडोर सीटिंग आपने देखा ही होगा। एंड अभी मैं आपको ऊपर का एरिया दिखाती हूँ। सो अभी मैं जस्ट कॉफ़ी पी के आई ही एंड वो कॉफ़ी की जो प्लेस थी वो बहुत ही
सुंदर थी, बहुत ही प्रिटी थी. लाइक आई एम इन लव विद दो स्पेसेस, लाइक जिसमें आउटडोर स्पेस बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट की हो, वो भी नेचुरल ट्रीज एंड सब नेचुरल एलिमेंट्स से. एंड रात को भी नो डाउट वो प्लेस बहुत अच्छी दिखेगी ही. एंड अभी हम लोग वापस रूम पे आए हैं चिल करने के लिए, बिकॉज जो मेन इवेंट है जिसके लिए मैं यहाँ पे मोस्टली आई हूँ वो होने वाला है शाम को. सो इट इज़ लाइक अ सन डाउनर इवेंट एंड वहाँ पे हम लोग जाके सब चिल करेंगे एंड जो भी है हमारे पिक्चर्स वीडियोस जो भी है शूट करेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे सिर्फ आपके लिए. एंड मैंने सोचा जहाँ पे मैं अभी रुकी हूँ उसका एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूँ, ताकि ये प्लेस का जो जस्टिफिकेशन है, ब्यूटिफिकेशन जो है, इसकी जो ब्यूटी है वो मैं और अच्छे से जस्टिफाई कर सकूँ. सो अभी मैं आपको थोड़े से ग्लिम्स देती हूँ मेरे रूम के, एंड डिटेल में जो वीडियो है मैं आपको इसके बाद वो वीडियो ज़रूर डालूंगी. एंड अभी हम चलते हैं रूम की तरफ. सो ये है मेरा रूम 201 एंड ये है अंदर से कुछ ऐसा. अभी जस्ट मैं फ्रेश होके सब चेंज करने वाली हूँ. सो दिस इज़ लाइक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस एंड बहुत बड़े बड़े रूम्स है यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे स्पेस है, ना कि मुंबई की तरह. बट मुंबई की अपनी बात, अहमदाबाद की अपनी बात. सो ये रूम कुछ ऐसा है. एंड बाहर का एरिया भी आपको दिखाती हूँ जस्ट एक छोटा सा. सो जो मैं बोल रही थी स्मॉल सिटिंग स्पेस, वो इतनी भी स्मॉल नहीं है. एंड ये हर एक रूम को दी हुई है अपने आगे वाले पोर्शन में. एंड दिस इज़ लाइक देयर स्विमिंग पूल एरिया. सो ये रूम कुछ ऐसा था. एंड अभी मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, इतने बड़े से बेड पे मैं अकेली सोऊंगी मस्त. एंड उसके बाद हम लोग फ्रेश होके जाएंगे मेन इवेंट के लिए. सो वहाँ पे मिलते हैं. एंड वी आर ऑल सेट एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मेन इवेंट के लिए. एंड ये प्रॉपर्टी रात में और ज़्यादा अच्छी लगेगी आई थिंक. सो अभी मैं जाती हूँ वहाँ पे जल्दी जल्दी, बिकॉज लेट हो गया है. हमारे रूम से डेस्टिनेशन वॉज ओनली 20 मिनट्स. हम लोग फटफट वहाँ पे पहुँच गए. एंड पहुँचने के बाद लुक एट दिस प्रिटी प्लेस, हमारी भी सेम रिएक्शन थी. ये रेस्टोरेंट लॉन्च हो गया है अहमदाबाद में एंड वहाँ पे मैंने कॉफ़ी एंजॉय की बिकॉज सनडाउनर था. एंड यहाँ पे आउटडोर एंड इनडोर स्पेस उतनी ही ब्यूटीफुल है. उसके बाद हमने एक एक्टिविटी भी की. दिस वॉज अ फन एक्टिविटी विद एवरी वन एंड सबने बहुत इन्जॉय किया. ये मैं ब्लैक प्रिंट में कर रही हूँ, बहुत लोगों ने रेड में भी किया एंड बहुत लोगों ने मिक्स एंड मैच भी किया. सो एज एन आर्किटेक्ट मैंने इंटीरियर डेकोर का डिज़ाइन प्रिंट किया था एंड वो ट्रांसफ़र किया इस बैग पे. एंड लुक एट दिस प्रीटी आउटकम, आई एम इन लव विद दिस बैग. वी वर अ ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसर एंड ब्लॉगर, सो हमने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था जैसे कि आप देख सकते हो. एंड दिस मिर्ची इज अ मस्ट ट्राई इफ़ यू आर हियर. उसके बाद डेजर्ट्स भी हमने एंजॉय किया एंड उसके बाद हम चले गए घर पे. तो हमारा कुछ इवेंट ऐसा था. एंड अभी हम लोग आ गए हैं वापस रूम पे. सुबह वापस फ्लाइट है सो वो पकड़नी है एंड सुबह ब्रेकफास्ट करके भी निकलना है. लेट्स सी, अभी ये लोग बोल रहे थे मानिक चौक जाके एक्सप्लोर करना है बिकॉज दैट इज़ लाइक अ फेमस खाऊ गली इन अहमदाबाद. सो लेट्स सी, वी आर नॉट श्योर बिकॉज सब लोग बहुत थक गए हैं एंड अभी सब लोग को सोना है एंड जल्दी उठना भी है. तो ये जो वीडियो है मैं यहाँ पे एंड करती हूँ बिकॉज कल सिर्फ ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करके मुंबई के लिए निकलना है वापस. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड इस प्रॉपर्टी में जहाँ पे मैं रुकी हूँ उसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी आएगा. सो वो इसके बाद आएगा तो वो भी ज़रूर देखना. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बाय बाय.